के त्याग की वृत्ति जागी, उसको समझना चाहिए कि मेरी बुद्धि का विकास हो रहा है, और मांगते मांगते आखिर में सब दुनिया के पदार्थों को छोड़ के केवल नाम और सुमति का दान, यही वास्तविक शांति देने वाले पदार्थ हैं। तो गुरु महाराज जी के छत्र छाया में बैठे हैं, गंगा मैया का तट, परम पिता परमात्मा सदगुरु स्वामी जयराम जी महाराज, सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज जिनका ये जन्मोत्सव है, उन्होंने भी अपने जीवन में और कुछ भी इच्छा नहीं रखी। यही उन्होंने कहा, सदगुरु तुम पूरन करो मेरी यह अरदास, कहते हूँ मन में कभी रहे न जग की आस। तो न मांगने वाले को ऐसा पदार्थ मिलता है। घर में देखते हैं कि कोई नौकर हो, सारा दिन काम करे, दुकान पे 5 बजे छुट्टी करने वाला अगर 12 बजे तक रात को काम भी करे और सेठ से कुछ मांगे भी नहीं, तो सेठ से जितना उसे वास्तव में अपेक्षा है उससे ज़्यादा ही देता है। तो हम भी दुनिया के पदार्थों को छोड़ के गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करें कि मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे और कुछ भी किसी भी पदार्थ की मन में इच्छा न हो। हर एक श्वास स्वात इंदो सुमरन कयामा सदा ध्यान तेजो दिल में धरावा। हर एक श्वास स्वात इंदो सुमरन कयामा सुमत दे सदाई।
और जिन सदगुरु महर्षि स्वामी सर्वानंद महाराज जी का जन्मोत्सव है उनके जीवन के द्वारा यही शिक्षा हमें प्राप्त होती है जो पहले गीता के श्लोक में भगवान ने लिखा सयत प्रमाणम कृते लोकस तद अनुवर्तते। उन्होंने जिस प्रकार से अपने मन को रोका बहुत ऊंची मंजिल थी लेकिन वहां तक न पहुंच सके, एक एक कदम भी जो आगे बढ़ेगा उसको गुरु की कृपा हमेशा साथ देगी। जो तू चाले एक पग मैं चालूं पग साठ, जो तू करड़ा काट सम मैं लोहे की लाट। दोनों की अनंत महिमा है। आचार्य सदगुरु स्वामी देवराम जी महाराज, सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज, सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज, सदगुरु स्वामी हरदास राम महाराज, उनकी कृपा हमेशा सबके ऊपर रहे यही उनसे प्रार्थना करें और उनके एक महिमा का भजन की एक पंक्ति बोले। नाचने का काम अभी नहीं, बाद में जब बधाई गीत होगा अभी प्रेम से श्रवण करें। बेटा शाह जी नगरी में आज आनंद आए छाए, आयो आज पान प्रभु परमेश्वर आपन सत्य में आयो आज पान
गाएं खुशियां करें कम है आज गुरु महाराज जी के पावन जन्मोत्सव का दिन है पर अभी पलव प्रार्थना उसके बाद आरतियां उसके बाद छप्पन भोग और बधाई की तो सब ध्यान से गुरु महाराज जी के चरणों में अपने मन की वृत्ति को लगा के प्रार्थना करें सद्बुद्धि और सुमति का दान सब कुछ वो जानने वाले हैं और सब कुछ देने वाले उनके भंडार भरे हुए हैं तो मिलकर के प्रार्थना करें पलव पाए जो जन गुरु शरण में बैठ करे अरदास कहते ऊंच सदास की पूरन करिए आस दुख सर्वै दूर हो Thank you.
महान जन्मोत्सव की पूज्य संत प्रेमियों को लाख लाख बधाई।